नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही हटके टॉपिक है। आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमने अपनी मार्केट में लेवल्स को कैसे मार्क करना होता है, एक प्रॉपर सपोर्ट एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हम मार्केट में कैसे मार्क कर सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं, बट हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट लाइव मार्केट में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे मेन मेन टॉपिक्स पे बात करूँगा। आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो मार्केट है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इसमें काम करने के लिए लेवल्स को मार्क करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम एक परफेक्ट लेवल मार्क कर पा रहे हैं, उसके ब्रेकआउट होगा तो हम बाई कर लेंगे, या फिर अगर उसका ब्रेकडाउन होगा तो हम सेल कर देंगे। हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर ऐसे मार्केट में वर्क कर सकते हैं, वर्क कर भी रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह, देखो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना कोई उतना बड़ा भी यहाँ पर खेल नहीं है कि पैसा नहीं बना पाओगे आप लोग। पैसा आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली बना सकते हो, सारे काम आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हो। बट करोगे कब? जब आपके पास एक अच्छे लेवल्स को मार्क करने की ताकत होगी, जब आप एक मार्केट में अच्छे लेवल्स को मार्क कर पाओगे, जब आप मार्केट में अच्छे लेवल्स को समझ पाओगे। तो जो आज की ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको यहीं पे ही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोगों ने कैसे कैसे अच्छे अच्छे लेवल्स को मार्क करना है, कैसे काम करना है। बट उससे बड़ी बात यहाँ पर निकल के ये आ रही है, मैं एक पूरी की पूरी ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हमने लेवल्स को कैसे मार्क करना है। छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। अगर आप लोग जानते हो, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब पे भी हो, तो आप सब लोग जानते हो कि भैया लेवल्स को मार्क करने में हमारा हाथ कैसा है, हम कैसे काम करते हैं। तो देखो आज की वीडियो में सिर्फ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी मार्केट जैसे आज का नया ऑल टाइम हाई लगाती हुई जा रही है, तो बट लोगों में अभी तक यहाँ पर लोगों को ये दिक्कत है कि अगर हमारी मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड भागता है, तो हम कौन सा टारगेट रखें। अगर हमारा मार्केट यहाँ से किसी भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और वो ऊपर की साइड भाग रहा है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करें। कई बार तो ये होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, खाकर जैसे नीचे गिर जाता है। बट कई बार ये होता है कि हमारा मार्केट एक वहीं से ही बड़ा ट्रेंड पकड़ लेता है। अब एक जो ट्रेडर होता है, उस बेचारे को नहीं पता है कि उसने भैया जी कैसे और कहाँ पे कौन से टारगेट पे एंट्री करनी है, कौन से पे क्या करना है, अगर हमारा मार्केट वहाँ पे नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए भाग रहा है तो। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा मार्केट यहाँ से नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए भाग रहा है तो हमने वहाँ पे मार्केट को किस प्रकार से ट्रीट करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ से सब चीज़ों को रिमूव करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ से सब चीज़ों को रिमूव किया हुआ है, बहुत अच्छी बात कर दी रिमूव जी। उसके बाद गाइस देखो, अगर हमारा मार्केट यहाँ से, जैसे हमारी मार्केट ने फिलहाल हाई लगाया है ये वाला, अब अगर हमारा मार्केट कल के दिन इसको ब्रेक करके निकलता है तो अभी तक हम लोग यहाँ पे ब्लैंक हैं कि हमने भैया जी कौन से लेवल्स को मार्क करना चाहिए या फिर हमने कौन से लेवल्स को मार्क न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ बिल्कुल भी ब्लैंक हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। देखो ऑल टाइम हाई पर भाग रहा है, हमारी समझ में नहीं है, परफेक्ट लेवल तो नहीं कहूँगा, बट एक इंडिकेटर का यूज करके आप यहाँ पे मार्केट में ऊपर के लेवल निकाल सकते हो। अब वो इंडिकेटर कौन सा होने वाला है, देखो वैसे मैं इंडिकेटर्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट एक लेवल्स निकालने के लिए जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऊपर की साइड नहीं है तो हम वहाँ से उसकी मदद ले लेते हैं। तो इंडिकेटर्स में आप लोग यहाँ पे जाओगे, आपने जाके क्या लिखना है, पी ओ आई, ये वाला पीवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे लगाओगे आप इसको, ये देखो। अब आप लोग यहाँ से खुद देख सकते हैं कि अगर हमारा मार्केट यहाँ से इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड आता है तो आपका अगला रेजिस्टेंस जोन हमको दिखाई दे रहा है 49,145 पे है। पहले हम लोग ब्लैंक थे, पहले हमको पता नहीं था, पहले हम लोग बिल्कुल ब्लैंक थे, पहले हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया हमने कौन सा टारगेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट मैंने इसको जैसे ही अप्लाई करा आपके सामने, ये हमारा इंडिकेटर है, चाहो तो आप लोग इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के रख सकते हो। हमारा मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की साइड आया तो हमारा टारगेट यहाँ पे है। अब इसको जैसे ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस जोन आपको ये ऊपर की साइड एक और दिखा देगा, ये देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 330 पे। उसके बाद कहाँ है, 515 पे।
उसके बाद कहाँ है 515 रुपये, यानी कि 3 से 4 अगले रिजेक्शन जो आपको मार्केट में दिखाई दे रहे हैं कि भैया हमारा प्राइस अगर उन लेवल से अप्रोच करेगा तो वहाँ से जाके हमारी मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकता है। मैं आप लोगों से इसको नीचे देखो काफ़ी सारे लेवल्स हैं, मैं आप लोगों को इन लेवल का यूज़ करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिकेटर्स पर यकीन नहीं करता हूँ, बट जब हमारी मार्केट में इसके बाद कुछ नहीं है तो इन लेवल्स पर जाके हम काम कर सकते हैं। हमारे पास ना होने से कुछ होना बेहतर है, हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें सिंपल सी बात यह है, इसमें एडवांस लेवल की चीज़ ये है कि ये डिपेंड आपके टाइम फ्रेम पर करता है। जैसे आपने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है तो ये जो लेवल्स हैं ये आपके यहाँ पे 5 मिनट के अनुसार ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेवल आपके 15 मिनट पे हैं या फिर 1 घंटे पे हैं या फिर 1 दिन पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर हमारा मार्केट यहाँ से हम काम कर रहे हैं 5 मिनट में, हमने इसके अप्लाई करके रखा हुआ है तो ये जो लेवल्स हमारे सामने आ रखे हैं ये हमारे 5 मिनट के लेवल हैं, ना कि 15 मिनट के, ना कि 1 घंटे के। अगर मैं आपके सामने इसको यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ तो ये लेवल्स भी आपके यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको 1 घंटे पे किया, अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखो लेवल्स आपके चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब ये हमको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के बाद बता रहा है कि हमारी मार्केट में ये रिजेक्शन जोन बन सकते हैं, और वो हमको बता रहा था 5 मिनट के हिसाब से कि हमारी मार्केट में ये जोन बन सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से अप्लाई करूँ तो अब 15 मिनट पे लेके आऊँ तो अब मुझे बता रहा है 15 मिनट पे, यानी कि जैसा आप यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करोगे वैसे ही आपके यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं आपके यहाँ पे अप्लाई होते हुए चले जाएंगे। अब बात ये आती है कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ ले सकते हैं। हम इसका यूज किसी भी इंडेक्स में, हम इसका यूज किसी भी स्टॉक के अंदर, जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ भी हम काम कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक हमारा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है, या वो इंडेक्स हमारा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है, मैं कहता हूँ कि आप इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है कि देखो ना होने से कुछ होना बेहतर है। जब हमको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है तो वहाँ पे इंजीनियर सहारा लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। और ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि हमारा मार्केट आजकल ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम ऊपर के लेवल्स कैसे मार्क करें, तो आपने ऐसे अपने ऊपर के लेवल्स को मार्क करना है। और अगर मैं गाइस आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग लेवल्स की ताकत देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको लेवल्स ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं जैसे पत्थर की लकीर हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो वर्क करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।